नमस्कार, स्वागत है आपका खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी जी। शर्मिष्ठा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शर्मिष्ठा जी, एक कलाकार से राजनेता के सफर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सफ़र रहा, और मैं कला की जगत से हूँ, लेकिन मेरा परिवार मेरे फादर पिछले 50 सालों से कांग्रेस के परिवार से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के बहुत ही जाने माने। और आपके पिताजी के बारे में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी हैं। तो हाँ जी, हाँ शर्मिष्ठा जी बताइए। लेकिन मेरा कभी राजनीति में खास दिलचस्पी रही नहीं, लेकिन 2014 के बाद, लोकसभा इलेक्शन का बाद, तो मुझे ऐसा लगा, देखिए, क्योंकि मैं कांग्रेस परिवार से हूँ, कांग्रेस आइडियोलॉजी में विश्वास करती हूँ, तो 2014 के बाद जब कांग्रेस का काफ़ी बुरा रिजल्ट आया, तो मुझे लगा कि अब जो कांग्रेस में विश्वास करते हैं जो लोग, उनको आगे आके पार्टी के लिए काम करना चाहिए। और यही मेरी मकसद है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का, कोई सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, क्योंकि अगर सत्ता हासिल करना ही मकसद होता तो शायद मैं बहुत पहले करती। बट आई बिलीव इन कांग्रेस, मैं कांग्रेस में विश्वास रखती हूँ। क्या क्या आइडियोलॉजी है कांग्रेस की जिसमें आपका इतना दृढ़ विश्वास है? प्लूरलिज्म, इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास जो है, ये एक्चुअली मोदी जी ने तो हमारा आइडिया हड़प कर ली करके अच्छा स्लोगन बना दिया, लेकिन कांग्रेस के लिए ये खाली स्लोगन नहीं, कांग्रेस के लिए ये एक विश्वास है, ये कांग्रेस के लिए एक फिलॉसफी है, और कांग्रेस इसी तरह से काम करते हुए आए हैं कि सबको लेके चलना। देखिए, इंडिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, यहाँ एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, बहुत सारे भाषाएँ, बहुत सारे कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, अलग अलग, तो सबको साथ लेके चलना ये खाली कांग्रेस ही कर सकते हैं और करते आए हैं। और सभी का साथ, सबका विकास होना, कि कोई पर्टिकुलर किसी कॉरपोरेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं, कोई सूट बूट की सरकार के लिए नहीं, तो यही है हमारी फिलॉसफी, और इसी में मैं विश्वास करती हूं। और मैं विश्वास करती हूं कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चल सके। 1947 से अगर आज तक देखें तो 90% समय कांग्रेस की ही सरकार रही, तो इस लंबे समय में क्या सबका विकास हो पाया? क्योंकि कांग्रेस की इस आइडियोलॉजी के हिसाब से चलें तो आज जो भी खामियां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में निकाल रही की कोशिश कर रही है, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब, इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कांग्रेस ही है? देखिए, 68 साल जो हैं एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन नेशन बिल्डिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा लंबी समय नहीं है। और ख़ासकर जब आप, भारत एक कॉलोनियल कंट्री थी, एक ब्रिटिशर्स की अंडर थे, और ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो इधर से हर चीज़ एक दूसरे देश निचोड़ के ले गए, तो हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया। जब भारत स्वाधीन हुए तब हमारा 75% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, आज 75% लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं। भारत में एक सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन आज हम लोग रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। ये जो आप टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये जो आईटी रेवोल्यूशन, ये सब बातें हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया। मोदी जी जब बोलते हैं कि दूसरे देशों में जाके, इधर आके हमारा देश में आप इन्वेस्ट करो, हमारा मेक इन इंडिया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बनाई? मोदी सरकार ने आके दो साल में तो नहीं बनाया ना, तो कांग्रेस ने ही बनाए। और आप और हम जो ऐसे बात कर रहे हैं, मैं छोटा सा, ये तो हुआ मटेरियल जो बेनिफिट्स हैं, एक अपना एक्सपीरियंस आपका साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं चुनाव लड़ रही थी, इलेक्शन कैंपेनिंग जब हो रहा था, तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाके, आप मॉर्निंग वॉक पार्क में आप कैंपेनिंग करते हैं, तो जैसे मैं पार्क में गई अर्ली मॉर्निंग में, तो वहाँ देखा कि हमारे आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, मिस्टर सौरभ भारद्वाज, वहीं खड़े होकर कैंपेन कर रहे हैं। तो हम नॉर्मल नमस्ते करके थोड़ा दूर 100 मीटर आगे जाके हम भी अपना कैंपेनिंग करने लगे, तो एक वॉकर, एक जॉगर वहाँ से आए, तो पहले हम थे, उसके बाद सौरभ जी। तो वही जॉगर एज यूजुअल पूछा कि कांग्रेस ने क्या किया, हमने कांग्रेस को क्यों वोट दे? तो अब मैंने उनको दिखाया भारद्वाज जी को, आई सेड आप इनको जानते हैं? ये सर हाँ, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। आई सेड आई थिंक कांग्रेस का सबसे बड़ा यही देन है कि आज 100 मीटर के फर्क में
दोनों पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, इलेक्शन दो दिन बाद हैं, हम दोनों बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से हम अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं। कांग्रेस की यही सबसे बड़ी देन है कि जो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ये इंडियन सॉयल पे बहुत गहरा रूट्स, बहुत गहरी जड़ पकड़ चुकी हैं डेमोक्रेसी। आप आसपास के सारे देशों में देख लीजिए क्या हाल हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स, डेमोक्रेटिक रूट्स, मुझे तो लगता है कांग्रेस की यही सबसे बड़ी देन है। मोदी जी, जो मोदी जी की अपनी सरकार के 2 साल की मना रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सभी का अधिकार है। इंडिया में कांग्रेस ने बहुत ही अच्छी तरह से डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट एस्टैब्लिश किया है, तो सभी का अधिकार है कि अपना सेलिब्रेशन करें अपना, लेकिन किस हिसाब से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोदी जी तो जितना एक NRI प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, देश के बाहर ही उनका ज़्यादा समय बिताते हैं, बहुत सारे जगह घूम रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए घूम रहे हैं। आज तक हम जानना चाहेंगे कि 1 सिंगल टिकट बिग इन्वेस्टमेंट क्या लाए हैं। आप देखेंगे, अगर रिकॉर्ड्स देखेंगे कि पिछले 18 महीने से एक्सपोर्ट्स कंप्लीटली डाउन जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते मैंने पढ़ा कि 18 महीने के बाद आई थिंक 1.5% इंक्रीज हुए हैं एक्सपोर्ट में। 18 महीना बाद आपका कंप्लीट डाउनग्रेड जा रहे हैं, उसके बाद 1.5% आपका इंक्रीज हुआ है, तो आप बहुत ही उसका जश्न मना रहे हो, तो ये तो थोड़ा सा ताज्जुब की बात है ना। रुपी इज एन ऑल टाइम लो, मार्केट इज वॉलेटाइल, रादर एक दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं और दूसरा एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। लास्ट ईयर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का विदड्रॉन, वो लोग इतना ज़्यादा अमाउंट विदड्रॉ कर लिया भारत से, दैट वॉज द हाइस्ट। तो इन्वेस्टमेंट आने की जगह लोग विदड्रॉ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो अब क्या जश्न मना रहे हैं? आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है जो FII अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से विदड्रॉ कर रहे हैं? देखिए, कोई भी विकास के लिए एक शांतिपूर्ण माहौल ज़रूरत है, पीसफुल एनवायरमेंट। अब लोगों का शायद यही डर है कि यहाँ भारत के किसी भी कोने में किसी भी वक्त दंगा मच सकते हैं, कुछ भी सोशल अनरेस्ट हो सकते हैं, तो कोई बिजनेसमैन इस माहौल में, इस परिस्थिति में क्यों इन्वेस्ट करे? बिकॉज पीस एंड डेवलपमेंट, इट गोज हैंड इन हैंड टुगेदर। सो इफ यू कैन नॉट गिव अ सिचुएशन, इफ यू कैन नॉट एंश्योर अ पीसफुल एनवायरमेंट, डेवलपमेंट विल नॉट हैपन, पीपल विल नॉट इन्वेस्ट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार? डेफिनेटली, डेफिनेटली। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी आप देखें, इकोनॉमिक सिचुएशन का भी आप देखें, तो कहीं पर भी कहाँ है उनका 15 लाख का जुमला, तो छोड़िए, वो तो एक मजाक ही बन गया कि किसी एक भी इंसान के बैंक में 15 लाख, तो छोड़िए 15 पैसा भी नहीं आया। लेकिन जिस तरह से वो बोल रहे थे कि जॉब क्रिएट करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे, कहाँ है वो सब, कुछ नहीं हो रहे हैं। चलिए, एक और सवाल, एक राजनेता और एक कलाकार में से कौन सा किरदार आपको ज़्यादा? देखिए, एक कलाकार तो मैं बहुत साल पहले से ही थी, हूँ भी, और उसके लिए कि ज़बरदस्त ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और अभी मेरा ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग चल रहे हैं, और दोनों में ही मैं बोलूँगी, दोनों फील्ड में डेडिकेशन की बहुत ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप 1 साल डांस या 1 साल गाना सीख के आप स्टेज में परफॉर्म करने लगे, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए भी बहुत कड़ी मेहनत, डेडिकेशन की ज़रूरत, लगन की ज़रूरत होती है। सिमिलरली पॉलिटिक्स में भी बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छा लर्निंग प्रोसेस है मेरे लिए, जो कि मैं एंजॉय कर रही हूँ। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए खास मुलाकात A to Z न्यूज।
ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं शर्मिष्ठा जी से। शर्मिष्ठा जी, दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति ठीक है या नहीं, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप देखें तो कांग्रेस की स्थिति, डेढ़ साल पहले हमें असेंबली में 0 सीट आया, वो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी। लेकिन उस डेढ़ साल से अगर आप अभी देखें, डेढ़ साल बाद, अभी कुछ दिन पहले एक हमारा दिल्ली में 13 वार्ड में कॉरपोरेशन बाई इलेक्शन हुई। सो जहां हमारे 0 सीट थी, वहां 13 वार्ड में से हमें 5 वार्ड मिला, आम आदमी को 5 मिला और बीजेपी को 3 मिला। तो आई थिंक काफ़ी सुधार आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 13 वार्ड्स इंक्लूडिंग द 5 वार्ड्स विच वी हैव वन, जो जिस 5 वार्ड में हम जीते हैं, इसमें कांग्रेस कभी पहले नहीं जीते। ये ट्रेडिशनली एंटी कांग्रेस सीट्स हैं। सो उसमें, उस स्थिति में, उस हालात में अगर कांग्रेस अभी 5 सीट जीत के आए हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। और जब से अजय माकन जी कांग्रेस की, दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष, जब से उन्होंने हाल संभाले हैं, तो कांग्रेस एक बहुत ही सशक्त विपक्ष की भूमिका पालन कर रहे हैं। किस तरह के काम कर रहे हैं कांग्रेस, ताकि जो वोट बैंक कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के पास चला गया, उसे वापस लाने के लिए किस तरह के काम कांग्रेस कर रही है, ताकि आगामी 2017 में, जो कि एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव में ऐसी उम्मीद है कि कांग्रेस फिर से अपनी वापसी देख सकती है, किस तरह के कार्य? बहुत सारे, जैसे देखिए, एक तो होते हैं कि आम आदमी सरकार की जो कमजोरियां हैं, सरकार की जो फेलियर्स हैं, उसको जनता के सामने लाना, वो एक विपक्ष की बहुत अच्छा भूमिका है। और वो उनका उस भूमिका के कांग्रेस बहुत अच्छी तरह पालन कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम वो ला रहे हैं। दूसरी बात है जनता का साथ, जनसहयोग। जनता का साथ कहीं ना कहीं हम शायद बिछड़ गए थे, एक बहुत साल पावर में रहने से एक एलियनेशन, एक डिस्टेंस क्रिएट होता है, एक गैप क्रिएट होते हैं। तो उस गैप को, उस डिस्टेंस को हम भरने की कोशिश कर रहे हैं। और जनसहयोग प्रोग्राम, अलग अलग मोहल्ले में जाके, अलग अलग पूरा दिल्ली में भी, कि कोई भी इशू को लेके, जैसे अभी डेंगू अवेयरनेस हो, या जब पेट्रोल प्राइसेस हाइक हुआ था तब, तो हम घर घर में जाके लोगों को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम्स जैसे हो लोकल इशूज़ को लेके, दूसरा हमारा वो है। एंड तीसरा जो है, वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, जैसे कि धरना प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट मार्च करना। सो अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ हम काम कर रहे हैं। ये तो वो कार्य हुए जहाँ पर कांग्रेस जो अभी जो सरकार है उसके खिलाफ है, परंतु कांग्रेस अपने आप इस दिल्ली की जनता के लिए क्या करना चाहती है, क्या अभी कर रही है, उसका क्या आगे करने का विचार है, जिससे कि वो अपना वोट बैंक वापस ले सकते हैं? देखिए, जैसे हमने बोला कि एक डेंगू अवेयरनेस जो प्रोग्राम कैंपेन हमने ये किया था, और अजय माकन जी ने जब पहले ही आए, लास्ट एक साल हो गए हैं, तो उनका पहला कार्यक्रम था जो सोशल कार्यक्रम था। क्योंकि देखिए, कांग्रेस का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो कांग्रेस, वी वर द ओरिजिनल एनजीओज, कांग्रेस ब्रिटिशर्स का साथ लड़ाई भी करते थे, लेकिन सोशल रिफॉर्म्स, सोशल वर्क्स भी करते थे। हम लोग ओरिजिनल एनजीओ हम ही हैं। तो वो सोशल वर्क का जो रूप है, उसको वापस लाने के लिए अजय माकन जी ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमने डेंगू अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करी थी। सिमिलरली इस साल भी हम वो प्रोग्राम किया, और फ्यूमिगेशन प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल, उसको हमने किया। और अलग अलग, जैसे कि वोटर लिस्ट, वोटर्स कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, अलग अलग जगह कैंप बनाना, हेल्थ कैंप्स लगाना, आई चेकअप का कैंप्स लगाना, उस तरह के काम तो हम लगातार करते ही आते हैं। तो ये इस तरह के कार्य करने से आपको लगता है कि आप दिल्ली की जनता के पास जा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो ये कहते हैं कि मैंने बिजली और पानी के दामों में भारी कमी करके मैं जनता के पास हूँ। तो इस तरह से आपको क्या लगता है कि क्या इतने से ही कार्य से कांग्रेस जनता के पास पहुँच पाएगी? देखिए, आपको जो लग रहा है इतने ही काम, वो इतने ही काम नहीं है, क्योंकि इतना ही काम पूरा दिल्ली भर हो रहे हैं। और केजरीवाल जी ने ये बोला कि हमने
पानी और बिजली कम करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बोला था पानी और बिजली मिलेगा ही नहीं। जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली में इस गर्मी में लगातार पानी की ज़बरदस्त प्रॉब्लम, लगातार पावर आउटेजेस, तो आपका बिजली नहीं आएगी तो बिजली की बिल भी नेचुरली कम आएगी। सेकेंडली उन्होंने जनता का साथ चालाकी की, उन्होंने बोला था कि बिजली के हम आधा कर देंगे, लेकिन अभी जैसे उन्होंने किया लास्ट ईयर कि 400 यूनिट तक तो आपका फ्री है, लेकिन उसका ऊपर जो है आपको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ रहे हैं। सो सिमिलरली पानी में भी एक सर्टन लीटर तक फ्री हैं, लेकिन उसका ऊपर जो है आपको ज़्यादा देना पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं, मेरा तो बिजली पानी का कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ा। आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाह रही है, आप इस बारे में क्या कहें, और कांग्रेस इस बारे में कांग्रेस क्या करना चाहेगी, इसके क्या विचार हैं, क्या दिल्ली के लिए ये सही है? देखिए इसमें दो इश्यूज़ हैं, एक तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि रेफरेंडम करेंगे, ब्रेक्सिट का साथ उन्होंने तुलना की थी, कंपेयर की थी, थोड़ा खुल के बताएं। हाँ, जब रेफरेंडम मतलब इसका मतलब कि वो पब्लिक ओपिनियन नहीं, वो सरकार की तरफ से एक पब्लिक ओपिनियन पोल कंडक्ट करेंगे जो सरकार करेंगे, जिसको रेफरेंडम बोलते हैं, कि जिस तरह से ब्रेक्सिट हुआ था, अभी इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन के साथ रहेगा या नहीं, तो उसका एक इंग्लैंड की सरकार ने ये रेफरेंडम करके फिर इंग्लैंड की जनता ने बोला कि नहीं हम यू का साथ नहीं रहेंगे, हम अलग हो जाएंगे। इस तरह से एक रेफरेंडम केजरीवाल जी दिल्ली में करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि ये रेफरेंडम जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ये हमारा संविधान में रेफरेंडम का कोई स्थान नहीं है, और पहले भी इस विषय में चर्चा हो चुके हैं, लेकिन एक केशवानंद भारती जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती केस वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ केरला आई थिंक, उसमें सुप्रीम कोर्ट में बहुत मतलब स्ट्रांगली राय दे दी कि रेफरेंडम हो नहीं सकता भारत में, इसका नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा जो भी डिसीशन होते हैं वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन से होते हैं, भारत की जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि असेंबली में आते हैं, जो कि पार्लियामेंट में आते हैं, और वो विचार करते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड कर रहे हैं, दैट इन इट्सेल्फ इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि केजरीवाल जी जब शपथ लिया था उन्होंने बोला था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मान के चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की सम्मान करेंगे, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात है दिल्ली की स्टेटहुड, मुझे याद है मनीष सिसोदिया जी ने बोला था कि अगर दिल्ली का स्टेट का पूर्ण दर्जा मिल जाए तो दिल्ली सरकार को 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि टैक्स शेयर में होते हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बोला कि दिल्ली पुलिस का जो खर्चा है और जो खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं, इस बजट में दिल्ली पुलिस की जो खर्चा है वो 5,913 करोड़ ऐसे है, लगभग 6,000 करोड़ की हैं। तो 5,000 करोड़ तो आपको टैक्स शेयर में मिलेगा, लेकिन 6,000 करोड़ आपका दिल्ली पुलिस को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दिल्ली में 3-3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कम्प्लीटली फुल्ली फंडेड बाई द सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, सो दिस इज कम्प्लीटली, एंड आई थिंक थर्ड इज जामिया, सो दीज आर कम्प्लीटली फंडेड। दिल्ली में 7 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, दोज आर फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दिल्ली का स्टेटहुड बनने से दिल्ली सरकार का पास तो ज़्यादा पावर आएगी, ये बात है, लेकिन दिल्ली की जनता को कितना फायदा होगा इससे, दिल्ली की जनता को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, तो केजरीवाल जी क्या ये बात दिल्ली की जनता को बता रहे हैं खुल के? सेकेंडली दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली में खाली स्टेक दिल्ली वालों की नहीं है, दिल्ली वासी की नहीं है, पूरे भारत की जनता का दिल्ली के ऊपर अधिकार है, तो फिर उनका भी राय लेना बहुत जरूरी है। ऐसा कि इट मे नॉट बी इन राइटिंग, पर रेफरेंडम को अगर हम माने तो अलग अलग तबके से उनकी राय ली जा सकती है, मे बी। मैडम रेफरेंडम को लेके बहुत सारे डिबेट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, और इसका जो फाइनल जो मैंने बोला था, ये केशवानंद भारती का केस जो है, सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन अ वेरी वेरी डेफिनेटिव जजमेंट
कि रेफरेंडम उसमें नहीं हो सकते हैं, और उस जजमेंट में उन्होंने बी आर अम्बेडकर जी को कोट भी किया, द पर्सन हु इज नोन टू बी द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट रेफरेंडम देर इज नो स्कोप ऑफ रेफरेंडम, जिसमें अलग अलग राय की कोई बात ही नहीं है। अब पब्लिक ओपिनियन अपना पार्टी की पैसा खर्च करके या आपका पैसा खर्च करके वो एक पब्लिक ओपिनियन पोल करते हैं, लेकिन रेफरेंडम और पब्लिक ओपिनियन पोल में फर्क है, बहुत फर्क है, बिकॉज पब्लिक ओपिनियन पोल एनीबडी कैन डू इट, न्यूज़पेपर वाले भी करते हैं, मीडिया वाले भी करते हैं, लेकिन रेफरेंडम इज डन बाय द गवर्नमेंट यूजिंग स्टेट मशीनरी एंड द रिजल्ट ऑफ द रेफरेंडम इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। सो रेफरेंडम एज अ प्रोसेस, आई मीन देर इज नो स्कोप ऑफ इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए खास मुलाकात ए टू जेड न्यूज। आइए ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं शर्मिष्ठा जी से। शर्मिष्ठा जी, आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवार जो हैं एक के बाद एक करके गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या आप इसे केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच का टकराव समझती हैं या कुछ और? देखिए, एक बहुत ही हाई फिलॉसफी, हाई आइडियोलॉजी को लेकर आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ कि एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंसी, एंटी करप्शन क्रूसेड, इंटरनल डेमोक्रेसी, लेकिन हमने देखा कि जब से ये पार्टी सत्ता पे आए, इंटरनल डेमोक्रेसी का बात तो छोड़िए, मतलब जैसे प्रशांत भूषण जी हो या योगेंद्र यादव जी हो, जो कि पार्टी की सीनियर फाउंडर मेंबर्स, और इन्हीं लोग तो आम आदमी पार्टी का क्रेडिबल फेस थे, उन लोगों को किसी तरह से ह्यूमिलिएट करके बाहर निकाला। जिस तरह से जितेंद्र तोमर जी का आप फॉल्स डिग्री केस ले लीजिए, प्रशांत भूषण जी ने बहुत पहले केजरीवाल जी को बोला कि इनका डिग्री में कुछ गड़बड़ हैं, और ये सारे पब्लिक डोमेन में हैं, ये आपको भी पता है, हमारे व्यूअर्स को भी पता है, तो लेकिन वो उनका बात नहीं माना गया। लेकिन जितेंद्र तोमर जी का जब फर्जी डिग्री का केस सामने आया, बिल्कुल एंड तक केजरीवाल जी उनको डिफेंड करते रहे, आम आदमी पार्टी को शील करते रहे। सिमिलरली अब सोमनाथ भारती जी का केस देख लीजिए, एक डोमेस्टिक अब्यूज, अनियन स्कैम, शुगर स्कैम, सीएनजी स्टिकर स्कैम, लैंड ग्रैबिंग केस अगेंस्ट एमएलएज, मोलेस्टेशन, उनके अभी रिसेंटली एक एमएलए किसी बुजुर्ग को थप्पड़ मारा, किसी महिला का साथ बहुत ही बुरी तरह से पेश आए। तो पिछले डेढ़ साल में एक का बाद एक इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। स्कैम्स की जो बात आपने की, जो कांग्रेस की सरकार जितने समय तक रही उनमें भी हम कुछ स्कैम्स याद करना चाहें तो कई नाम हैं, उन सब नामों को अगर याद करें, 3G स्कैम, चारा घोटाला स्कैम, देखिए कितने ही स्कैम्स ओवर द इयर्स टाइम टू टाइम सामने आते ही रहे। एक चीज़ मैं जनता को याद दिलाना चाहूँगी, आपको भी याद दिलाना चाहूँगी, स्कैम्स बहुत आए, बहुत सारे एलिगेशंस आए, लेकिन और कौन सी, जब सीनियर मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट, एमपी ऑफ द कोलिशन, उनको जेल भेजा गया, जब कांग्रेस की साथ जो जिन पार्टी की कोलिशन थी उस पार्टी की एमपी को, कांग्रेस की सीनियर मिनिस्टर्स को, कोलिशन कांग्रेस का साथ जिनकी कोलिशन है, ऑपोजिशन का नहीं, जिनका कोलिशन पार्टनर है, उनको भी जेल जाना पड़ा। ऐसे और कौन सी पार्टी का अंडर हुआ है, आप ये बताइए। तो स्कैम्स हुआ है, लेकिन साथ साथ उसका इन्वेस्टिगेशन भी चला है, और इन्वेस्टिगेशन के खातिर अगर किसी को जेल भी जाना पड़ा, वो सरकार की कोई मिनिस्टर भी हो या कोलिशन की कोई एमपीज भी हो या कोलिशन की कोई मिनिस्टर हो, कांग्रेस ने कभी उसमें बाधा नहीं, कोई भी बाधा क्रिएट नहीं किया। और अभी जो हैं, अभी जो लोग बोल रहे हैं स्कैम्स हैं, तो ठीक है, अभी बीजेपी सेंटर में है और दिल्ली में आम आदमी सरकार है, सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स उनका पास है,
तो बिल्कुल बेशक बिल्कुल अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करें, हम उसमें पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, और उस इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई भी दोषी निकला जाए तो उनको सजा दिया जाए। आप अपने पिताजी के कौन राजनीतिक सफ़र को कैसे देखती हैं, उनसे आपने क्या कुछ सीखा, आप अपने निजी जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, क्योंकि हर एक कोई जानना चाहेगा देश के सर्वोच्च पद पे रहने वाले हमारे राष्ट्रपति जी किस तरह की जिंदगी जीते हैं, उनके बच्चे उनसे क्या सीख पाए हैं, और दर्शक हमारे उनसे क्या मैसेज ले सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी सीख जो मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ और बाप, मेरे पिताजी दोनों ने दिया, एक तो मेरे फादर पिछले 50 साल से पॉलिटिक्स में हैं और काफ़ी हाई लेवल पे भी रहे, लेकिन वो पावर का अनुभव हमें वो कभी नहीं होने दिया, और हमेशा यही एक इनडायरेक्ट मैसेज, इनडायरेक्ट हमारा अपब्रिंगिंग में जो इनडायरेक्ट मैसेजिंग गया कि ये मत सोचना कि तुम्हारे फादर कोई बहुत बड़े चीज़ हैं, तो ऐसे बात नहीं है, तो बिल्कुल ही एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली अपब्रिंगिंग जैसा होते हैं उस तरह के अपब्रिंगिंग हुआ। कभी भी मेरे फादर का कोई ऑफिशियल पोजीशन, उसको किसी तरह से फ़ायदा उठाना, वो सब बिल्कुल ही नहीं, और आई थिंक दैट हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट यू नो आई मीन गिफ्ट ऑफ माई पेरेंट्स टू मी, कि एक बहुत ही सादगी, एक बहुत ही नॉर्मल अपब्रिंगिंग अपने बच्चों को देना, तो उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। और जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था, बस मेरा फादर यही बोला था कि जो भी करो सोच समझ के करो, और ये बहुत ही पॉलिटिक्स में बहुत पेशेंस की ज़रूरत होते हैं, तो ये मत सोचो कि बहुत हार्ड वर्क करना ज़रूरत है, और जिस तरह से मतलब तुम आर्ट पे डेडिकेटेड हो उसी तरह की डेडिकेशन पॉलिटिक्स में भी चाहिए, तो बस। अपने कुछ शौक, आपके कोई हॉबीज, डांस, कथक डांसिंग के अलावा? नहीं, मैं बहुत ही आई एम एन एविड रीडर, मैं बहुत पढ़ती हूँ, पढ़ना मेरा शौक है, म्यूज़िक, खासकर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, प्लस मेरे दो कुत्ते हैं, अभी तीन थे, अभी बेचारे एक गुजर गए कुछ दिन पहले, तो बिल्कुल मेरे बच्चे जैसे हैं। और मुझे पहले तो घूमने का बहुत ही शौक था, बहुत ही शौक था घूमने का, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं मिलता। खास मुलाकात और ए टू जेड न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए शर्मिष्ठा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए खास मुलाकात ए टू जेड न्यूज़।